Hello students, myself Kriti Mala. Now I am explaining history chapter 2, that is emergence of new kingdom. Okay, emergence of new kingdoms, its time period is 700 to 1200 CE. In the previous chapter I explained this, the medieval period is divided in two parts, that was the early and late medieval period. So in this chapter we will read about the early medieval period. Fine. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू एक्सप्लेन दिस पीरियड चार्ट देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द चैप्टर दैट पीरियड चार्ट इज 800 टू 1250 ओके तो 800 टू 1100 इट्स टाइम पीरियड इज द ट्रिपार्टी स्ट्रगल व्हाट वाज द ट्रिपार्टी स्ट्रगल दैट ट्रिपार्टी स्ट्रगल बिटवीन पालास गुर्जरा प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास their time period was from here and those red marked it there so you can see it is tripartite struggles time period but in these time periods some emergence were there like emergence of the cholas that in the 850 emergence of the cholas ki entry cholas mein merge hue and that 1000 to 1027 mohammad ghazni has entered in the invasion in the 1000 to 1000 CE. Come on this period 1191. At the time of the 1191, that was very famous battle. It was first famous battle of Terrain fought in 1191 between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. First battle जो हुई थी वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुई थी जिसमें विनर थे पृथ्वीराज चौहान बट आफ्टर नेक्स्ट ईयर मतलब इट मीन्स नेक्स्ट ईयर 1192 ये 1191 में हुई थी और 1192 में इसमें सेम पर्सन के साथ बैटल हुई थी और इसमें मोहम्मद गौरी जीते थे और ऊपर वाली में पृथ्वीराज चौहान जीते थे तो नेक्स्ट टाइम कौन जीता मोहम्मद गौरी ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ न्यू किंगडम ओके राइज ऑफ न्यू किंगडम How kingdoms rise in that medieval period? That is the post Gupta. First, I want to explain the post Gupta's empire. In the post Gupta's empire, first we will learn this. How what is the quality of these empire? Like administrative officials were also granted land. उनके जो officers थे, वो land grant करते थे. Second is most part of the kingdoms of all the major power. और वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में ज्यादातर उनकी पावर हुआ करती थी सेकेंड इज फॉडेट्री चीफ वर ईगर टू फ्री देमसेल्फ वेन एवर देयर वॉज एन अपॉर्चुनिटी जैसे ही उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो उस पूरी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेते थे और उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग वो पूरे अपने आप अपने चीफ्स को लिए डिसीजंस लेने के लिए फ्री होते थे कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोज टू फॉर्म न्यू किंगडम्स ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड अर्ली मिडिवल पीरियड में कौन कौन से न्यू किंगडम्स आए आई एक्सप्लेन इन दैट चार्ट इज ट्रिपार्टी स्ट्रगल ओके गुर्जरा प्रतिहारा पालास एंड राष्ट्रकूटास गुर्जरा प्रतिहारास वेस्टर्न इंडिया एंड अपर गैंगटिक वैली लुक दिस इज आर वेस्टर्न पार्ट गुर्जरा प्रतिहारा के पास क्या था वेस्टर्न इंडिया था और गैंगटिक वैली के अपर गैंगटिक वैली था सेकेंड इज पालास दिस इज दैट पोर्शन इज द पालास पोर्शन इट इज द ईस्टर्न इंडिया ये पोर्शन किसके पास था पालास के पास था नेक्स्ट इज राष्ट्रकूटास पोर्शन इज दिस एंड दिस पोर्शन डेक्कन एंड टेरिटरीज इन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स अलग अलग टाइम्स में नॉर्दर्न और सदर्न दोनों इंडिया अलग अलग टाइम्स में ये दोनों पार्ट थे उनके पास
some more emperors kingdoms has rose in that time period, like Rajputs, Chauhans and Chahamanas and Cholas. Who were Chauhans and Rajputs? They were the most prominent kingdoms. And who were Cholas? Cholas is the powerful kingdom and distinct administrative स्ट्रक्चर. उनके पास वो काफी पावरफुल किंगडम था और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो काफी स्ट्रॉन्ग था. कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री प्रोमिनेंट किंगडम. दैट वॉज द थ्री त्रिपार्टी स्ट्रगल. तो फर्स्ट प्रोमिनेंट किंगडम इज द गुर्जरा प्रतिहारा. वॉट इज द क्वालिटी ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा? They used their military skills and power to carve out a kingdom in Western India. Western India मैंने अभी आपको दिखाया था मैप में. Second is, as rulers, the Pratiharas came into prominence in the middle of the 8th century. 8th centuries में Pratiharas आए जब King Nagabatta I ने उनको Nagabatta I defended Western India from the अरब इंकर्जन फ्रॉम द सिंध टू राजस्थान. जब इसमें नागाभट्टा वन थे इस पोर्शन में यहां पर तभी प्रतिहाराज आए. थर्ड पॉइंट इज द प्रतिहारा डायनेस्टी एक्सपेंडेड एंड फ्लरिश्ड द मोस्ट अंडर द रूल ऑफ मिहिर भोजा. जब मिहिर भोजा का उन्होंने अपना ये वाला पोर्शन को भी इनके अंडर इनको भी अपने साथ मर्ज किया. दैट वॉज द मिहिर भोजा. आप लोगों ने मिहिर भोजा का नाम सुना हुआ है? नहीं सुना? हैव यू लिसन दैट भोपाल नेम? दैट इज ऑन द मिहिर भोज. भोपाल मीन्स भोज प्लस पाल. भोज के नाम पर, महाराजा भोज के नाम पर ही हमारे भोपाल सिटी का नेम है. हिज टाइम पीरियड इज 836 टू 850 CE. ओके. एंड इज सक्सेशन महेंद्र पाला 890 टू 900 CE. The territory of the kingdom expanded to Bengal in the east and Punjab, Awadh, Malwa and Gujarat in the west. इसमें उनके पास मालवा भी था. आप लोग we all people are living in the Malwa area. So now I want to explain that Malwa area also. That one picture is there. That picture is Mihir Bhoja's picture. मिहिर भोज जो थे भोपाल में भी इनकी स्टेच्यूज वगैरह हैं. यू कैन सी देयर दैट मिहिर भोज पीरियड इज 836 टू 850 CE. यू सम मोर पिक्चर्स आर स्टिट आई स्टिट हेयर. दैट इज द मितावली. मितावली इज नियर द मुरैना. ओके. इट इज ऑल्सो मितावली. इट दीज दैट प्लेस इज नियर द मुरैना. These temples were made at the time period of the Gurjaras. And second is Bateshwar and Padavli. These all are in the Malwa area. Have you seen the Gwalior Fort? I hope so. All students have saw this in the Gwalior Fort. So many statues are made there. That was also in that period. Whose period? Gurjara Pratihara. Our next topic is the Palas. Palas, I want to explain that Palas, that history of the Pala Empire. Founded by Gopala in 750 CE. The Palas, who founded it? The Gopala in 750 CE. Okay. Second, it is believed that he was elected as the king by the nobles to the regional anarchy. वो अपने किसे इलेक्ट करते होते थे? नोबल सुदा रीजनल एनार्की. ओके. नेक्स्ट इज हिज अथॉरिटी ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ बिहार. ज्यादातर उनकी अथॉरिटी कहां पर है? बंगाल और बिहार में. ठीक है. नेक्स्ट इज गोपाला वॉज इन एन अर्डेंट बुद्धिस्ट एंड हैज बिल्ट द मोनेस्ट्री एट ओदंतापुरी इन बिहार. बिहार में उनकी एक मोनेस्ट्री है जो कि जिसका नाम है
उदंता पुरी. ओके, ये जो मोनेस्ट्री है यहाँ पर देवर वर्शिपिंग द बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट एंड दैट पालास बिलोंग्स टू बुद्धिज्म. रामपाला द लास्ट इम्पोर्टेंट रामपाला वॉज द लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर इन द पालास डायनेस्टी. ठीक है, our next topic is the Rashtrakutas. Three were there, that he is the Rashtrakutas is the third. The Rashtrakutas in the Deccan were feudatories of the Chalukyas of Karnataka. What is the meaning of the feudatories? Don't know. Samant. So now what is Samant? Samant means जहाँ पर उनका पूरा राज्य होता था. ऑफ द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका का ज्यादातर पोर्शन किसके पास था? राष्ट्रकूटास के पास. दांती दुर्गा, दैट दांती दुर्गा पीरियड इज 735 टू 756 CE, ओवर थ्रू द चालुक्यान किंग. चालुक्यान किंग के अंजाम के साथ था. एंड कीर्ति वर्मन इन डेकान एंड द फाउंडेड द राष्ट्रकूटा किंगडम. और इन लोगों ने मिलकर राष्ट्रकूटास किंगडम को बनाया. एंड द नेक्स्ट इज द राष्ट्रकूटास टेरिटरी स्प्रेड फ्रॉम मालवा. राष्ट्रकूटास भी मालवा को बढ़ाने में आगे थे. इन द वेस्ट टू कांची इन द साउथ ईस्ट. ये जो हमारा ट्रिपार्टी स्ट्रगल के जो पीरियड में है, हमारे आसपास वाले जितने भी जो टेम्पल्स हैं, वो सारे इन्हीं टाइम पीरियड में डेवलप हुए थे. एंड ब्यूटिफुल टेम्पल्स बिल्ट बाय द रूलर्स एट एलोरा एंड एलिफेंट केव्स कैलाश टेम्पल. आपने एलोरा का नाम सुना है? अजंता एलोरा. एलोरा एंड एलिफेंट केव्स. एलोरा में जो एलिफेंट केव्स वगैरह हैं, वो सब कब बने? दैट राष्ट्रकूटास पीरियड. एंड कैलाश टेम्पल, इट इज ऑल्सो वेरी फेमस टेम्पल. दीज आर ऑल्सो वेरी फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस. इफ यू आर गेटिंग टाइम आफ्टर दैट लॉकडाउन, तो यू कैन टॉक टू विद योर पेरेंट्स के यू हैव टू सी दीज प्लेसेज एंड दोज प्लेसेज आर लोकेटेड इन द एमपी. तो यू हैव टू सी दिस एंड सी हाउ देर कंस्ट्रक्शन वर देवर यूजिंग द कंस्ट्रक्शन एंड हाउ देवर यूजिंग स्टोन्स एंड देयर आर्किटेक्चर. एवरीथिंग इज वेरी फैंटास्टिक. तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वहां पर ये वो इन प्लेसेस पर जाए. यू हैव टू सी दीज हिस्टोरिकल प्लेसेज. ओके, तो कम ऑन आर नेक्स्ट टॉपिक. आर नेक्स्ट टॉपिक इज द तुर्किश इन्वेजन. मैंने अभी इसमें पढ़ाया था टेबल में तुर्किश इन्वेजन. ये जो अपना जो ट्रिपार्टी स्ट्रगल था, उनके बीच में कुछ और लोग भी आए, जैसे तुर्किश. आफ्टर द फॉल ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर, आफ्टर द फॉल ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर, देयर रोज स्मॉल इंडिपेंडेंट पावर्स. कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स आई, जैसे गोवा डवालास इन कन्नौज. कन्नौज में ये आए. मालवा में कौन आए? परमार्स आए. एंड गुजरात में चालुक्यास आए. अजमेर में चौहान्स आए. एंड दिल्ली में तोमर्स आए. एंड द बुंदेलखंड में चंदेलास आए. ये सब छोटे छोटे जो किंगडम्स थे तुर्किश जो थे, ये सब अलग अलग प्लेसेस पर आकर इन्होंने यहाँ पर आए. ये लोग आए, दे आर कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. ये सब आपस में जितने भी जो अंडरलाइन प्लेसेस हैं, इन सब की आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ. एंड हेल्प द तुर्किश इन्वेडर्स टू कैप्चर द टेरिटरीज ऑफ पंजाब एंड दिल्ली. उन्हें किसकी हेल्प की? मतलब इसको कैप्चर करने के लिए, पंजाब और दिल्ली को कैप्चर करने के लिए उन्होंने उनकी हेल्प की ली. नेक्स्ट इज महमूद गजनी. महमूद गजनी भी मैंने चार्ट में पढ़ाया था. दैट हु वॉज महमूद गजनी? महमूद गजनी वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट टर्किश रूलर. अपने मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट टर्किश रूलर थे. उनका ऑब्जेक्ट क्या था? उनका ऑब्जेक्ट था ज्यादा से ज्यादा लूट करो और उसके बाद वेल्थ, उनकी जितनी भी जो पावर है इकोनॉमिक्स है, वो सबको लूटो और उनको कैप्चर करो. सोमनाथ टेम्पल आप लोगों ने सुना हुआ है. सोमनाथ टेम्पल वॉज मेड एट द टाइम ऑफ द महमूद ऑफ गजनी. माउंटेड 17 प्लंडरिंग एक्सपेंडिशंस बिटवीन 1000 टू 1027 CE इनटू नॉर्थ इंडिया. करीब उनके एक्सपेंडिशन कितने कब का था? 1000 टू 1027 CE इनटू नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में उन्होंने इसको बहुत एक्सपेंड किया. दैट नेक्स्ट इज
ही यूज हिज वेल्थ टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड सिटी इन गजनी। वो अपनी गजनी सिटी को अपनी जो वेल्थ वो जो लूटते थे और जो कैप्चर की थी उसको ज्यादा से ज्यादा वो अपनी एक गजनी सिटी में स्प्लेंड करना चाहते थे। इन 1025 ही अटैक्ड लूटेड एंड डिमोलिश द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल ऑफ सोमनाथ। उन्होंने क्या किया इन 1025 दैट सोमनाथ टेम्पल, दैट इज सोमनाथ टेम्पल, इट इज ऑल्सो सोमनाथ टेम्पल, यहां पर उन्होंने 1025 में अटैक किया और उसके डिमोलिश उसके जो मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल्स जो थे जितने भी हमारे इंडिया में जो हिंदू टेम्पल्स थे उस एरिया में वहां पर उन्होंने लूट किया और उनका पूरा इंटेंशन था कि पूरी इसकी वेल्थ को लें और उसको कैप्चर करें। आर नेक्स्ट टॉपिक इज मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, मोहम्मद गौरी। आई वॉन्ट टू सी द पिक्चर ऑफ द मोहम्मद गौरी। अभी मैंने वो बैटल ऑफ टेरेन में भी सुनाया था। तो ही वॉज द मोहम्मद गौरी। हिज एम वॉज कंकरिंग, हिज एम ऑफ कंकरिंग द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नदर्न पार्ट को लेना चाहते थे एंड उनका इंटेंशन था, इंटेंशन वॉज नॉट टू गेट गोल्ड, अकेले उनका इंटेंशन गोल्ड लेना नहीं था, बट टू एस्टेब्लिश एन एम्पायर। वो अपने एम्पायर को भी एस्टेब्लिश करना चाहते थे। बैटल ऑफ टेरेन में ही फॉट अगेंस्ट द चाहमनाज राजपूत रूलर। विच राजपूत रूलर? दैट वॉज द पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चाहमनाज डायनेस्टी। ये चाहमनाज डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। ओके, अब बैटल ऑफ टेरेन मैंने आपको चार्ट में पढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉट नेक्स्ट टॉपिक, हाँ दिस वन। अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज चौहान हिज ग्रेट मिलिट्री एंड अचीवमेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान की एक बुक थी जो कि उस बुक का नाम था पृथ्वीराज रासो। यू कैन सी द फ्रंट पेज ऑफ द पृथ्वीराज रासो, यू कैन सी दैट फ्रंट पेज इज द पृथ्वीराज रासो। दैट पृथ्वीराज रासो हैज रिटर्न बाय द कोर्ट पोएट चंद बरदाई। ये इन पृथ्वीराज रासो के किंगडम में ही एक पोएट थे, दैट इज नेम वॉज द चंद वरदाई। चंद वरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब कुछ, उनके ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट्स और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए सबके बारे में इस पृथ्वीराज रासो बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज अटैक्स ऑफ टू बैटल्स ऑफ टेरेन इन 1191 और 1192। टू बैटल्स में उन्होंने अटैक किया था। ही इज बिलीव टू हैव बीन डिफीटेड एट द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन। वो उनको यही बिलीव था कि मतलब वो सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, ही इज बिलीव टू हैव बीन डिफीटेड एट द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन। आर नेक्स्ट टॉपिक इज अलबिरुनी। अलबिरुनी इंडिया। हु वॉज अलबिरुनी? अलबिरुनी वॉज द फिलोसोफर ऑफ साइंटिस्ट फिलोसोफर। ओके, ही इज रिटर्न वन बुक, दैट वॉज द किताब अल हिंद। You can see the first front page of the Kitab Al Hind. That front page he has written that Kitab Al Hind, and he accompanied Mahmud of Ghazni. ये किसके time period में थे? Mahmud of Ghazni के time period में थे। उन्होंने ये book लिखने के लिए संस्कृत सीखी थी और उनको उन्होंने संस्कृत से ही अपने उर्दू ये सारी book को translate किया था। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम इज द चोलास। नेक्स्ट टॉपिक इज द चोलास। ओके, द चोलास, चोला एम्पायर। व्हाट वॉज द क्वालिटी ऑफ द चोला एम्पायर? चोला एम्पायर वॉज द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में वो बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी एंड इट रूल्ड ओवर तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका। अभी हमने दूसरे पार्ट्स पढ़े थे, पर चोलास कहां पर थे? तमिलनाडु और कर्नाटका में। एंड टेंजोर वॉज इट्स कैपिटल। जब चोलास का यहां पर तमिलनाडु और कर्नाटका में था तब उनकी कैपिटल क्या थी? टेंजोर। तो बाय हिज एबिलिटी प्रोवेस proofs
सॉरी बाय हिज एबिलिटी प्रूव्स एंड मिलिट्री स्किल्स राजा राजा वन डिफीटेड द चेराज एंड सेज्ड मदुरई। उनकी जो एबिलिटीज थी, उनकी जो पावर्स थी और जो मिलिट्री स्किल थी, किस राजा राजा वन डिफीटेड द चेराज, राजा राजा वन ही वॉज द राजा राजा वन, राजा राजा वन ने उनको डिफीट किया था, किसको, चेराज को, और उसके बाद उन्होंने मदुरई को कैप्चर किया, सीज किया। ही इन्वेडेड श्रीलंका एंड अनेक्स इट्स नदन पार्ट, उन्होंने उसको ही इन्वेडेड श्रीलंका एंड अनेक्स द नदन पार्ट विच बिकम अ चोला प्रोविंस, जो बाद में क्या हुआ, चोला प्रोविंस में हुआ, एंड नेम इट महमूद मुहम्मदी चोला चोला मंडलम, जिसका नाम था मुहम्मदी चोला मंडलम। उनके ही बेटे थे राजा राजावन के, हिज सन वॉज राजेंद्रवन, हु वॉज राजेंद्रवन, राजेंद्रवन वॉज द सन ऑफ द राजा राजा चोलावन, एंड बाय हिज मिलिट्री वैलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट्स, अपनी मिलिट्री के और एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट की वजह से रेज द चोलाज एम्पायर टू अ पिनेकल ऑफ ग्लोरी, वो मतलब अपने अपने शासन की वो अपना उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए बहुत ही शान थे इन सब चीजों के लिए। नेक्स्ट इज किंग्स एंड द मिनिस्टर्स, किंग्स एंड द मिनिस्टर्स विच टाइप, हाउ किंग्स वर रूलिंग देयर एंड हाउ वट दे वर बिहेविंग विद द मिनिस्टर्स, तो नाउ कम ऑन दिस टॉपिक। द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट का हेड होता था, आई थिंक इज ऑल स्टूडेंट नोज अबाउट दैट। सेकेंड इज द डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज, उन्होंने सारे मिनिस्ट्रीज को उनकी अपनी अपनी ड्यूटी दे रखी थी, एंड अदर हाई ऑफिसर्स, और ये सब इस तरह से यू कैन सी दिस दैट किंग्स वर सिटिंग लाइक दिस एंड देयर मिनिस्ट्रीज and their ministers were listening their instructions and they were following after the listening they were following their instructions, their system of administrative were highly organized and efficient, unka jo system tha wo bahut hi organized aur efficient tha। apart from the ruler there was a ministerial council and organized administrative staff, unka jo staff hota tha wo kafi organized hota tha, और उनके टाइम पीरियड में ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो था वो आज भी बहुत रिमार्केबल है। आर नेक्स्ट इज दैट द रूलर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्रीज, ही वॉज टेकिंग काउंसलिंग एंड ही वॉज टेकिंग मीटिंग पर्सनली विद द मिनिस्ट्रीज लाइक दिस, वो इस तरह से पर्सनली सारे मिनिस्ट्रीज के साथ बैठते थे जिसमें कोई भी मतलब कोई भी उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होता था एक्सेप्ट मिनिस्ट्रीज, एंड रॉयल टूल्स कंट्रीब्यूटेड टू द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके द ऑफिसर्स वर पेड बाय द लैंड असाइनमेंट्स, वो ऑफिसर्स जितने भी जो ऑफिसर्स होते थे, यू कैन सी दिस, जितने भी जो ऑफिसर्स होते थे उनको रेवेन्यूज के लिए वर पेड बाय द लैंड असाइनमेंट, उनको लैंड भी असाइन की जाती थी, दे वर ऑनर्ड एंड एनकरेज द कंफरिंग टाइटल्स, और जो अच्छा काम करता था उनको एक एनकरेजिंग टाइटल्स भी मिलते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज रेवेन्यू, डू यू नो द व्हाट इज द रेवेन्यू, लाइक टैक्सेस, किस तरह से वो उनका टैक्सेस वगैरह जो लैंड से जो पैसा जो आता था वो किस तरह से कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू वॉज डिराइव मेनली फ्रॉम लैंड, लैंड से उनके पास पैसा आता था, एंड कलेक्टेड इन काइंड और इन कैश, वो या तो लोगों से वैसे ही कलेक्ट करते थे या फिर कैश लेते या दोनों तरीके से लेते थे, बाय द विलेज असेंबलीज, इस तरह से वो गांव के सारे लोगों को वहां पर बुलाते थे, एंड दीज ऑल पीपल वर सेंडिंग फॉर द लिसनिंग दीज इंस्ट्रक्शन, आफ्टर द लिसनिंग इंस्ट्रक्शन दे वर पेइंग द रेवेन्यू। लैंड वॉज पजेस बाय द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, वो दो तरह से मतलब लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इंडिविजुअली और कम्युनिटीज में। द स्टेट शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स, उनकी रेवेन्यू फिक्स होती थी एट द 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन वो करते थे उसका 1/3, आफ्टर एन इलेबोरेट लैंड, और जब लैंड उसके बाद लैंड को इलेबोरेट करके सर्वे इन द टाइम ऑफ द राजा राजा वन, राजा राजा वन ने उसको इलेबोरेट करके उनको लैंड का रेवेन्यू को चेंज कर दिया था।
Next is the army. See this, how their army was? The army consisted of elephants, cavalry and infantry. See this, actually these are small pictures. So might be you are not able to see this. But they were using the elephantry, cavalry, infantry. वो सभी अपने साथ रखते थे अपनी आर्मी में. द कमांडर्स एंजॉय द रैंक ऑफ द नायक. जो कमांडर्स होते थे उनको नायक का मतलब नायक की पोज दी जाती थी. द चोलास अंडर राजा राजा कंट्रोल द कोरोमंडल एंड मालाबार कॉस एंड द बे ऑफ बंगाल. द चोलास जो थे राजा राजा वन के अंडर कंट्रोल में थे वो उनके साथ मर्ज थे. It was composed chiefly in Kaikalos and main of the strong arms. मतलब और साथ में अपने वो जो चीफ जो रखते थे ऐसे लोगों के साथ उनके जो चीफ होते थे जो जिनके पास स्ट्रॉन्ग आर्म्स होते थे और स्ट्रॉन्ग पर्सन होते थे. सी दिस चोला एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज द चोला एडमिनिस्ट्रेशन. हाउ वॉज चोला एडमिनिस्ट्रेशन? चोला एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस प्रिंस और रॉयल फैमिलीज. उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज को ही देते थे. और वो रॉयल फैमिलीज क्या करती थी? वलेंडू और डिस्ट्रिक्ट टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे. वलेंडू और डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन था. और उनका नाडू और ग्रुप ऑफ विलेजेस. या वो एक तो उन्हें एक पार्ट डिस्ट्रिक्ट में दे देते थे और एक पार्ट वो विलेजेस में दे देते थे. इस तरह से वो लोग अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते थे. Three types of assemblies which played an important part in local administration. उनकी जो assemblies होती थी वो they had divided into three parts, that were the Ar, Sabha and Nagaram. What is Ar? Ar is for the common village. Ar जो administration part थी वो पूरे common village के लिए थी. Second is Sabha. Sabha means for exclusively Brahmin assembly of the Brahmadeva village. ब्रह्मदेया विलेज में जो ब्राह्मण जो रहते थे उनके लिए होती थी सभा. और सभा इनका एडमिनिस्ट्रेशन इस सभा में देखते थे. नागाराम जितने भी जो लोकल मर्चेंट्स होते थे, लोकल मर्चेंट्स लुकिंग हु वर लुकिंग दैट, देन नागाराम्स वर लुकिंग दैट. चोला आर्किटेक्चर. व्हाट इज द चोला आर्किटेक्चर? चोला आर्किटेक्चर वॉज दैट इट वॉज अंडर द इन द चोला दे हैड मेड द थंजावे एंड इट वॉज अंडर द राजा राजा वन. And you can see the Somnath temple. And I already explained everything. You can see only these pictures. Okay. Next topic is Chola temples. How they were making their temples? They were using the Shiva temples, they were using the Nataraj, and they were making the bronze, and they were using this type of temples. And under the Cholas, the Tamil country reached new height of the excellence in art, religion, literature, in all of the स्पेयर्स. ओके, चोला एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीजें मतलब देवर यूजिंग ब्रॉन्ज, देवर यूजिंग मेटल्स, देवर मेकिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स एटसेट्रा. देवर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप. वो अकेले वर्शिप की प्लेसेस ही नहीं बनाते थे, बट ऑल्सो इमर्ज द हब ऑफ द इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज. इन सब चीजों को भी इमर्ज करते थे. द टेम्पल्स वर ग्रू एज सेंट्रल्स ऑफ क्राफ्ट, स्पेशली द क्रिएशन ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस विच वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव. दीज टाइप ऑफ स्टेच्यूज आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट टॉपिक. वो इस तरह की इमेजेस को वो यूज करते थे. एंड मैनी कल्चरल एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन द टेम्पल्स. वो अपने टेम्पल्स में इस तरह के कल्चरल्स का भी यूज करते थे. लास्ट टॉपिक इज स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स.
they were making the sculptures and paintings like they were worshipping the god, and you can see these paintings, this type of painting, they were using beautiful colors for the making these paintings. And they were using the dancing Shiva image, that is Nataraj. The Nataraj has been described as a culture epitome of the Chola period. Nataraj हमारे पास कब से आया? Chola period से आया. That was the dancing Shiva image. Thank you. Now I completed this chapter. Thank you everyone.